हेलो व्यूअर्स, सलाम अलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट पार्ट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं सोहेल अहमद टीवी। तो भाई आज हमाद भाई के सेटअप में आए हुए हैं। माशाल्लाह इनके पास जावा की सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको, और इसके अलावा जो है वो जावा के अंदर नई जो म्यूटेशंस आई हैं इन्होंने वर्किंग करके कुछ वो म्यूटेशन वगैरह निकाली हैं, और कुछ वर्किंग इनकी चल रही है म्यूटेशन के ऊपर, जावा के ऊपर। तो हमाद भाई से पूछते हैं कि इन्होंने जो है वो कौन कौन सी जावा लगाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या खैरियत से? जी बिल्कुल, अल्लाह करम है। अच्छा बताइएगा सर, कौन कौन सी जावा लगाई है? जावा में हमारे पास ऑलमोस्ट तमाम तरह की वैरायटी है। अगर बेसिक वैरायटी की बात करें तो फॉन, ओपल, सिल्वर, वाइट, ग्रे, ये तमाम तरह हमने लगाए हैं। और बाकी म्यूटेशंस के वाले से अगर बात करें तो पेस्टल फॉन, पेस्टल ग्रे, पेस्टल सिल्वर, पेस्टल ओपल, बेसिक सारी चीज़ें लगाई। हाँ, तमाम तरह वैरायटी हमने वर्किंग भी चल रही है और लगाई भी है। ओके व्यूअर्स, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या वैरायटी लगाई है और क्या परिंदे। जी हमारे भाई, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बताएं आपको। अच्छा, मेरा नंबर जो है 0332-231-8585, ये जो फ़ोन का नंबर है। बाकी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो फादर खलील अहमद, वो भी देखते हैं, उनका नंबर जो है 0336-8500-316। जी अहमद भाई, ये कौन से हैं? ये फ़ोन जावा की चिक्स हैं ये। अच्छा, ये अभी तकरीबन जो है 15 से 16 दिन के होंगे ये अभी टच होने के बाद। तो ये फ़ोन जावा की चिक्स हैं। बिल्कुल है। बाकी यहाँ पे भी प्रोग्रेस आई हुई है। ये फ़ोन जावा का पेयर। अच्छा सही है, माशाल्लाह बेहतरीन। चिक्स जो है ये बड़े ही चिक्स हैं इसके। भुट्टा भी साथ साथ जो है ये ले जाते हैं। अच्छा, कितने चिक्स हैं? 5 हैं। 5 चिक्स हैं जी। माशाल्लाह। बच्चे अच्छे पाल रहे हैं या खुद ही पाल रहे हैं? बच्चे खुद ही पालते हैं। बिल्कुल, कुछ होते हैं कभी किसी जोड़े के पास कम बच्चे होते हैं या एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं तो उसको फ्री करते हुए या उसके ऊपर से लोड करते हुए कभी पोस्टर भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर चिक्स जो अपने खुद ही बच्चे पाल रहे हैं। उसके बाद भी चिक्स, ये भी बच्चे निकले हुए हैं, ये भी बच्चे निकले हैं, इसके भी बाहर आ रहे हैं बच्चे। ये कौन सा जोड़ा लगा हुआ है? ये भी फोन जावा का जोड़ा है, इसके नीचे कुछ ओपल जावा के उसके पोस्टर किए हुए थे। अच्छा सही, सारे बच्चे माशाल्लाह। हाँ, 5 बच्चे हैं इसके भी। सही सही, बड़े हुए हैं। अच्छा, ये इसके ये बच्चे कूदे फोन जावा का पेयर है बिल्कुल, इसके बच्चे बाहर आना स्टार्ट हो गए इसके भी। अच्छा सही है माशाल्लाह। ये देखें, ये 2 बच्चे 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों का क्या हिसाब किताब रखा है आपने भाई? बच्चे जो हैं जो सेल्फ चेक हैं 2.5 से 3 महीने के। ठीक है, ये जो है 9000 के हिसाब से मिल जाएंगे। 9000 का पर पीस? 9000 पर पीस के हिसाब से। बाकी ये है कि जिसको किसी क्वांटिटी में चाहिए होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे या आपके रेफरेंस से आता है तो फिर इंशाल्लाह ये है कि किसी के साथ रियायत भी हो जाएगी। ठीक है। क्वालिटी वाइज सब डार्क हेड्स में पेयर्स हैं ये। फोन के चिक्स भी माशाल्लाह से अच्छे साइज़ में, अच्छी क्वालिटी में आ रहे हैं। अच्छे भी और अंडे भी नहीं कर दिए माशाल्लाह। कितने? अभी ये नहीं कर रहे, अभी 6 अंडे दिए, बच्चे इसके मैंने अलग कर लिए, बच्चे अलग कर लिए थे कल, तो अभी इसके रिसेंटली चिक्स अलग हो गए, बाकी इसने लेंग कर चुका है अपनी, अंडे भी काफ़ी हद तक फटाए हुए हैं इसके। अच्छा, ये कौन सा जोड़ा है? अच्छा, ये भी फोन जावा का पेयर है, इसके नीचे भी कुछ चिक्स ओपल जावा के निकले हैं, ये सब पोस्टर किए हुए चिक्स हैं। जो फर्स्ट पेयर ब्रीड कर रहे होते हैं, इस पेयर की ये फर्स्ट ब्रीड थी माशाल्लाह से। अच्छा। बहुत अच्छी खिलाई पिलाई कर रही थी, एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो इनके नीचे जो है ना फोन के इनके अंडे कहीं और डालते हुए ओपल के नीचे डालते हुए इनके नीचे ओपल के अंडे रख देते हैं ताकि एक्सपेरिमेंटली जो है वो ओपल का एक्सपेरिमेंट हो जाए। सही। अच्छा, ये भी माशाल्लाह फोन के बच्चे हैं जी। इसमें भी माशाल्लाह से ये चिक्स जो है काफ़ी हद तक बड़े हो गए ये, और ये भी माशाल्लाह से जो है आप एक हफ्ते में कूद जाएंगे मेरे ख्याल से ना। हाँ, हफ्ते भर में बाहर आ जाएंगे, लेकिन सेल्फ होने में थोड़ा टाइम लगता है इनको। फोन का जोड़ा है ये ना, जब तक दोबारा अंडे देखे और बेचना पड़ता है। ठीक है, बेहतरीन से बाहर आ गए। अच्छा, ये भी फ़ोन का पेयर है? ये फ़ोन का पेयर है बिल्कुल, डार्क हेड में अच्छी क्वालिटी का पेयर है, और चिक्स इसके बाहर आना स्टार्ट होगा।
बाहर आ रहे हैं एक करके। हाँ, ये फोन जावा एक जगह रुकते नहीं है, थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाता है इनको। ये तकरीबन 1 महीने के बच्चे हैं, लेकिन 2-3-15-11 साल। अच्छा, 1 महीने के हो गए हैं। ये तकरीबन सेल फोन में टाइम लगेगा ना इनको। हाँ, 15 दिन और पेरेंट्स के पास रहते हैं ये, जब तक पेरेंट लिंक करके अपने अंडे फर्टाइल ना कर दें। फर्टाइल होने के मतलब अंडे लेंग के भी 15 दिन के बाद जाके हम लोग बच्चा हटाते हैं। जी सर, ये बताइए ये कौन सा पेयर है? सर असल भाई ये पेस्टल ग्रे का पेयर है और ये स्प्लिट फोन है मेरे पास। अच्छा। तो बेसिकली जो लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है पेस्टल के नाम से, लोग सिर्फ पेस्टल फोन को पहचानते हैं। तो पेस्टल जो है बेसिकली ये एक म्यूटेशन है जो कि हर कलर को डाइल्यूट कर देती है। तो ये लाइट कर देती है, लाइट कर देती है बिल्कुल। तो ये जो है सामने पेस्टल ग्रे का पेयर है और ये माशाल्लाह से मेरे पास इसने इस सीज़न पल्स बीट करी है और टेस्ट हो गया है, ये मेरे पास पेस्टल फोन की चिक भी निकाल रहा है। अच्छा, फ़ोन पेस्टल निकाला है? फ़ोन पेस्टल भी निकाला है बिल्कुल। वो आपको चिक दिखाऊंगा इसके। मेरे पास माशाल्लाह से खैर ये कि वैरायटी में पेस्टल में सारी वैरायटी है। पेस्टल में ग्रे भी है, ये आप ग्रे पेस्टल ग्रे देख सकते हैं, अलबत्ता एडल्ट पेयर है। और पेस्टल में ओपल भी आता है, ओपल भी मेरे पास है, पेस्टल सिल्वर भी है और पेस्टल फोन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये बताइएगा ये कौन सा पेयर है? अच्छा, ये वर्किंग पेयर है पेस्टल ग्रे की, इसमें मादी है और फोन का सादा मेल है इसके साथ। अच्छा, तो बेसिकली ये पेस्टल फोन वर्किंग के लिए लगाया हुआ है। चिक्स इनके सारे ग्रे आते हैं, नॉर्मल ग्रे आते हैं, और जो नॉर्मल ग्रे चिक्स होते हैं उनमें मेल्स जो होते हैं वो स्प्लिट फोन स्प्लिट पेस्टल दोनों होते हैं, क्योंकि पेस्टल सेक्सिंग म्यूटेशन है तो फीमेल उसमें जो है स्प्लिट नहीं आती। अच्छा। तो फीमेल इसमें पेयर में सादी ग्रे आती हैं और वो स्प्लिट फोन होती हैं। तो ये मेरे पास वर्किंग पेयर्स मैंने लगाए हुए हैं, मल्टीपल पेयर ऐसे लगे हैं इनके। ये अमर भाई ये कौन से बच्चे दिखा रहे हैं? अच्छा जी, ये चिक्स जो है ये देख लें, ये पेस्टल सिल्वर का बच्चा है, सामने जो बैठा हुआ दिख रहा है ना ये। अच्छा, इतनी कोई वाजे पहचान नहीं होती खासतौर पर यंग चिक्स में पेस्टल सिल्वर। बड़ा होगा तो फिर पता चलेगा, बड़ा होके पता चलता है, अभी भी आइडिया हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लाइट शेड में होता है, सिल्वर का कलर जो थोड़ा डार्क होता है। इसमें कंपेरिजन के लिए अभी सिल्वर का बच्चा साथ में रखेंगे तो आइडिया होगा। सही। लेकिन पेस्टल ग्रे जो है ये ऐसा है कि इसमें बचपन में ही आइडिया हो जाता है। ये आप चीज जो देख रहे हैं पेस्टल ग्रे का बच्चा है, ये जो मेरे हाथ में ऊपर की तरफ ग्रे पेस्टल है, ग्रे पेस्टल है ये। और वो वाला डार्क ये नॉर्मल ग्रे है, नॉर्मल ग्रे, नॉर्मल ग्रे का बच्चा है। ये पेस्टल ग्रे का, ये मतलब ये नॉर्मल ग्रे से मुराद भी ये जो है स्प्लिट फोन तो है ही, अगर मेल होगा तो स्प्लिट पेस्टल भी है। ये इनके बच्चे हैं, इन्हीं के बच्चे हैं ये। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई? अच्छा, इसमें मेरे पास फीमेल पेस्टल फोन की है और मेल जो है सादा फोन का है। तो बेसिकली पेस्टल म्यूटेशन में जो है ना मेल्स शॉर्ट होते हैं, तो इसलिए मेरे पास फीमेल एक ही थी, तो मैंने इसको फोन से वर्किंग कर रहा हूँ अभी। इसके चिक्स भी मेरे पास हैं, होल्ड किए हैं, तो इनमें भी जो डीएनए मेल्स होंगे वो तमाम तरह कन्फर्म स्प्लिट होंगे पेस्टल के, और जो फीमेल्स होंगी वो सादी फोन होंगी। चिक्स सारे फोन ही आते हैं इनके और माशाल्लाह से अच्छे साइज और क्वालिटी में आ गए। सही, तो इसके बच्चे अवेलेबल हैं फोन पेस्टल के? अब फोन पेस्टल में भी मेरे पास चिक्स आ रहे हैं, जैसे बताया मेरे पास ग्रे पेस्टल में से फोन पेस्टल निकल रहा है, तो वो डायरेक्टली मेरे पास फोन पेस्टल आ रहा होता है। इसके चिक्स सारे सादे फोन होते हैं लेकिन मेल स्प्लिट होंगे पेस्टल के। तो अभी जो है डीएनए करवाने के लिए दिया हुआ है, जो चिक्स आएंगे अगर मेल का इशू ज़्यादा होगा तो मैं कुछ उनमें से सेल आउट करूँगा। ठीक है, वैसे रेट क्या रखे हैं अगर सेल करेंगे तो? अगर मेल होगा तो 65,000 का पड़ेगा पीस, फोन स्प्लिट पेस्टल का मेल। सही है, और फीमेल? फीमेल तो सादी फोन के रेट पे जाती है, वो मैं खुद ही होल्ड कर लेता हूँ, ज़्यादा फीमेल स्प्लिट होती ही नहीं है। लेकिन जो है निकली हुई सीपीआर की होती है वो, तो वो मैं खुद ही अभी होल्ड कर लेता हूँ ऐसे में फीमेल। अच्छा, स्प्लिट बोल रहे हैं आप या विजुअल बोल रहे हैं फोन पेस्टल? नहीं, स्प्लिट की बात कर रहा हूँ, फोन मेल स्प्लिट पेस्टल। अच्छा, वो 65? वो 65 का है। अच्छा, अगर विजुअल में हो तो इस तरह से, जैसे विजुअल में, अगर विजुअल में फीमेल होगी तो विजुअल की फीमेल आपको 80,000 की भी मिल जाती है, और मेल होगा तो, मेल होगा तो कम से कम 1 लाख का होगा। अच्छा, बहुत महंगा बिल्कुल। ये अभी खैर म्यूटेशन नहीं आई है, म्यूटेशन है और इम्पोर्टेड ही इतनी महंगी चल रही है, तो लोकल ब्रीड में तो 100% रिजल्ट की गारंटी होती है, वो हर करेगा। सही बात जी अहमद भाई, ये कौन से? सर ये पेयर मैंने फोन का ही लगाया हुआ है, लेकिन इसमें जो है मैंने पोस्टर किया हुआ है पेस्टल ग्रे और पेस्टल फोन भी, जो मेरे पास कंफर्म जो सामने अगर आ गया है सामने वीडियो में मैं पन्ना पकड़ के दिखा दूँ। जी बिल्कुल, ये पेस्टल ग्रे का चिक है, इसका भी डीएनए चला गया,
और एक चेक इसमें जो है पेस्टल फॉन का भी है। तो ये पेस्टल ग्रे की क्या मार्केट वैल्यू है? पेस्टल ग्रे का जो मेल है वो 30,000 का चेक चला जाता है। अच्छा, तो किसकी वर्किंग में आता है काम में? डायरेक्टली पेस्टल फॉन ही, बेसिकली एंड प्रोडक्ट जो पेस्टल फॉन है जो मोस्ट डिमांडिंग है। अच्छा, लेकिन उसकी वर्किंग में आता है ये? बिल्कुल डायरेक्टली पेस्टल। अच्छा, ये जो बच्चा निकला हुआ है इसको मैं किससे लगाऊं तो पेस्टल फॉन निकलेगा? ये पॉसिबल स्प्लिट फॉन है अगर तो आप इसको डायरेक्टली, अगर ये मेल चेक है, अगर मेल होता है ये, इसको आप डायरेक्टली फॉन की फीमेल से लगा देंगे और ये स्प्लिट फॉन भी हुआ अगर अलबत्ता, तो डायरेक्टली आपका पेस्टल फॉन की मालाएँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, प्योर पेस्टल फॉन में मालाएँ आ जाएंगी और जो मेल्स भी होंगे सारे स्प्लिट होंगे पेस्टल के। तो बेसिकली क्या कहते हैं, डायरेक्टली जो मेल होता है वो गारंटी होता है कि आपका तमाम तर चिक्स पेस्टल की फीमेल्स आएंगी और मेल तमाम तर पेस्टल के स्प्लिट्स आएंगे। तो मेल इसलिए बड़ा वर्कफुल हो जाता है क्योंकि सेक्सिंग म्यूटेशन है और मेल से डायरेक्टली एक एक बच्चा आपके काम का होता है। इसमें एक और ग्रीन कलर का रिंग पहना हुआ बर्ड है, वो कंफर्म पेस्टल फॉन है, जो जाली पे चुका हुआ है ना। तो अच्छा, ये वाला पेस्टल फॉन जो होगा बेसिकली इनकी कोई पहचान नहीं है इस एज में, 5 महीने से पहले इनकी कोई पहचान नहीं है। 5 महीने तक ये जाकर अपने कलर मोल्ड करेंगे और फिर ये कलर बनाते हैं अपना पेस्टल कलर। अच्छा, ये फॉन पेस्टल है जो ये बर्तन के ऊपर बैठा हुआ है? कंफर्म फॉन पेस्टल का चेक है मेरे पास, ग्रे पेस्टल से निकला है ये, और इसका मेरे पास फर्स्ट पेज का चेक भी है, वो मोल्ड कर चुका है, वो भी माशाल्लाह से दिखाऊंगा अभी आपको। तो बेसिकली सिर्फ ग्रे पेस्टल वाहिद वो म्यूटेशन है जो कि बच्चा ही दिखा देते अपनी अर्ली एज में कि ये पेस्टल है। बाकी जितने भी कलर्स हैं, ओपल हो गया, फॉन हो गया, सिल्वर हो गया, वो मोल्ड करने के बाद क्लियर करते हैं वो पेस्टल कलर अपना। जी हमाद भाई, ये माशाल्लाह कितने जोड़े लगाए हुए अपने वाइट के? ये हमने सीज़न स्टार्ट में 80 जोड़े लगाए थे ऑलमोस्ट। अच्छा, और अभी जो है ज़्यादातर खैर बॉक्सेस में होंगे या फिर ऊपर हमने कॉलोनी बनाई हुई है, टंकी है, टंकी के साथ कॉलोनी बनी है, सब चेक्स भी और बड़े भी सब अंदर कॉलोनी के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, तो ये जो है माशाल्लाह से कैपेसिटी इतनी है कि यहाँ पर 150 जोड़ा भी डाल दें तो गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलते। बड़ी जगह है ना बहुत। बिल्कुल, ये प्रोग्रेस आप चेक कैसे करते हैं प्रोग्रेस इनमें? ये है सीढ़ी से इनको चेक करना पड़ता है, रेगुलर नहीं हो पाता, महीने में एक बार एटलीस्ट चेक करना पड़ता है इनको। अच्छा, चढ़ के आप चेक? बिल्कुल, चढ़ के एक एक बॉक्स को चेक करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ये इनके चिक्स डायरेक्टली जो है खुद बाहर आ रहे होते हैं। जैसे ये बच्चा है? बिल्कुल, ये बच्चा कूदा हुआ है, ओड़ा है लेकिन बिल्कुल। बाकी जो है मेजॉरिटी जो होते हैं ना चिक्स, थोड़ा सा चढ़ के फिर भाई दिखा दें यहाँ से ऊपर, यहाँ से चढ़ते हुए सामने सब बैठे हुए होंगे। अच्छा, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा? हाँ सही है। ये कॉलोनीज बनाई हुई है बेसिकली जावा के चिक्स पकड़ने के लिए भी, और यहाँ पर दाना पानी सब लगा हुआ होता है, तो जितने भी चिक्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा पेयर्स भी होते हैं सब वो यहीं पहुँचे होते हैं इस टाइम पे। अच्छा, तो यहाँ पे आप इनको भगा के फिर पकड़ते हैं? भगाते नहीं, यहाँ पे कॉलोनी बंद कर लेते हैं हम लोग, अंदर जो चिक्स होते हैं वो फिर पकड़ में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, जो कॉलोनी के अंदर आ जाता है हमारी रेंज में वो पकड़ में आ जाता है, बाकी वरना तो जो छूट जाता होगा वो तो बड़ी मुश्किल से आपने आता होगा। हम उड़ाते हैं वो सब जमा हो जाते हैं, उनकी फ्लाइंग ऐसी होती है। वो फिर ऐसे ही होता है कि सीजन एंड में जो है ना, फिर हम लोग सब बर्ड्स को पकड़ते हैं, दोबारा रिपेयरिंग करते हैं और जो है फिर छोड़ते हैं इनको। अच्छा, ये कौन सा पेयर है? अच्छा, ये जो है बेसिकली जिसमें जो है ना, सर भाई बाहर हाथ निकालू, बाहर हाथ निकाले मैं। सही है जी सर, ये कौन सा पेयर है? अच्छा, ये जो है बेसिकली इसमें हमारे पास सिल्वर का मेल है। अच्छा, और पेस्टल सिल्वर की मादी है। ये डिफरेंस जी बिल्कुल, उसमें डिफरेंस दिखाने के लिए कि पेस्टल सिल्वर जो है बेसिकली ये एक तो डाइल्यूट वर्जन है सिल्वर का, दूसरा ये कि इसमें जो है ना हेड, बॉडी और टेल पूरे सिंगल टोन में होता है कलर। अच्छा, एक ही कलर होगा? एक ही कलर होता है पूरा, जबकि सिल्वर में देखा जाए तो उसका हेड और टेल पोर्शन डार्क होता है नॉर्मल सिल्वर में। तो मेरे पास 2 पेयर्स हैं इस तरह के मैंने लगाए हुए हैं पेस्टल सिल्वर की फीमेल्स के साथ, क्योंकि फीमेल्स एक्स्ट्रा होती हैं पेस्टल में, तो उनके साथ मुझे सिल्वर की मेल ही लगाने पड़ गए। इससे क्या बच्चे आएंगे? इसमें आएंगे सारे बच्चे सिल्वर ही, अगर तो मेल स्प्लिट नहीं है पेस्टल का। अच्छा, ये सिल्वर बच्चा कितने का बिकेगा? ये तो अभी नॉर्मल रेट में ही जाएंगे, पेस्टल सिल्वर की अपनी इटसेल्फ फर्क है, सिल्वर स्प्लिट पेस्टल जो है हम खुद भी अलग नहीं करते, कैटेगराइज वाइज नहीं करते, तो ये नॉर्मल रेट में ही जाते हैं। जी हमारे भाई, ये कौन से पट्टे हैं सर? अच्छा, ये कुछ पट्टे जो अलग करें, ये इसमें फॉन भी है, ओपल भी है, एल्बाइनो भी है, ग्रे भी है, सिल्वर भी हैं, तो सारे कलर्स के चिक्स हैं इसमें जो केज ब्रीडिंग में हमारे पास चल रहे हैं। बाकी वाइट जावा अभी तक हमने पकड़े नहीं है, वाइट जावा की चिक्स भी अवेलेबल है,
तो ये बेसिकली जो है 2.5 महीने वाले चिक्स हैं, 2.5-3 महीने वाले, जो पेरेंट्स से रिसेंटली अलग हुए हैं। सही है। तो इनको अलग से अभी जो है एक वैक्सीनेशन होती है, रोनिवेटेस का कोर्स करवाते हैं इनको, उसके बाद जो है ये फिर थोड़े बड़े केज में इनको शिफ्ट करते हैं। क्या हिसाब किताब इनका? इसमें जो ग्रे है ये पॉसिबल स्प्लिट फॉर्म भी है, इसमें ये 1500 पर पीस के हिसाब से हैं। 1500 रुपये जी। सिल्वर जो है वो 2500 पर पीस के हिसाब से हैं। ओपल जो है वो 7000 पर पीस, और फॉन जो है वो 9000 पर पीस। जी सर ये बताइएगा। अच्छा, इसमें जो है ये तकरीबन 4 महीने से लेके 6 महीने तक के बर्ड्स हैं इसमें। अच्छा। फॉन, ओपल और एल्बाइनो सब रेड आई म्यूटेशन जो है, तो वो है। बाकी इनमें से भी चाहिए होगा तो मिल जाएंगे ये। इनमें कुछ बर्ड्स टोटल कम्प्लीट मोल्ड भी कर चुके हैं जो 6 महीने तक। डिफरेंट है वही रेट हैं? नहीं, इनके रेट थोड़े डिफरेंट हैं। इनके जो हैं जिनमें 50% मोल्ड कंप्लीट हो गया है, 50-80%, वो 10,000 पर पीस के हिसाब से मिल जाएंगे फ़ोन। और जो कंप्लीट मोल्ड कर चुके हैं वो 2500 का पेयर मिल जाएगा कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के साथ, मेल फीमेल। अच्छा। और अलबत्ता ओपल जो है जो मोल्ड करते हुए दाने हैं, ये जो है 8,500 पर पीस के हिसाब से मिल जाएंगे। और एल्बाइनो भी सेम रेट है, कंप्लीट मोल्ड कर चुके हैं एल्बाइनो तो कुछ पीसेस, लेकिन ये ब्रीड करने में अभी कम से कम 2-3 महीने लेंगे। फरवरी से मार्च में ये एक क्लच दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे जी अहमद भाई, यहाँ पे क्या लगाया हुआ आपने? ये दूसरा रूम है जी, ये दूसरा रूम है। वैसे तो ये लवबर्ड का रूम है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है जो पेस्टल फॉन की वर्किंग के, पेस्टल ग्रे वर्किंग के जो पेयर हैं उनके चिक्स मैंने हमने यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ। सही है। अच्छा, ये चिक्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये चारों फॉन के चिक्स हैं, और ये उसी पेयर के चिक्स हैं जिसमें पेस्टल फॉन की मादी है और फॉन का मेल है। अच्छा, पेस्टल फॉन की मादी, फॉन का मेल, ये क्या निकलेंगे अब? ये होंगे सारे फॉन ही। अच्छा, लेकिन स्प्लिट पेस्टल होंगे। लेकिन हाँ, जो मेल होंगे वो स्प्लिट पेस्टल भी होंगे होपफुली, लेकिन मुझे पता नहीं है। इनका जो है ये फर्स्ट क्लच ही आया है, तो जो है इसमें जो है अगर तो मेल स्प्लिट पेस्टल नहीं होगा जो फॉन का मेल है, तो ये सारे बच्चे फॉन ही निकल रहे हैं। लेकिन तो पता कैसे चलेगा कि स्प्लिट है? वो तो टेस्ट ब्रीड होगी फिर। बिल्कुल हाँ, ये मोल्ड करने के बाद बताएंगे चीज। अगर ये मोल्ड करके सादे फॉन ही बनते हैं तो इसमें मेल चिक्स तो काम के ही है, वो सारे के सारे स्प्लिट पेस्टल भी होंगे। तो वो फॉन का मेल स्प्लिट पेस्टल बहुत काम, वो कंफर्म फिर स्प्लिट पेस्टल होंगे, वो कंफर्म स्प्लिट पेस्टल होंगे। तो अभी क्या सेल कर रहे हैं ये बच्चे? अभी DNA पे गए हैं, अगर जो है मेरे 2 मेल खुद रोक लें इनमें से, बाकी एक्स्ट्रा हुए तो फिर वो सेल आउट करेंगे। फीमेल तो नॉर्मल फॉन होगी ना? फीमेल नॉर्मल फॉन होगी। ये बेसिकली ये फीमेल मेरे पास पहले किसी और मेल से भी ब्रीड कर चुकी है, और इत्तेफाक ऐसा हुआ 4 चीज निकले, चारों के चारों DNA में फीमेल जाएंगे। तो वो सादी फोन की बनी थी, उनमें से मैंने 3 सेल आउट कर दी थी, एक मेरे पास है वो मैं दिखाता हूँ। तो इसमें ऐसा भी होता है। अच्छा जी, ये ग्रे के बच्चे? जी ये ग्रे के बच्चे हैं, और ये जो है उन्हीं पेयर्स के चेक थे जिनमें पेस्टल ग्रे की मादी और फोन का मेल। सारे ये DNA मेल्स हैं जो मैंने अपने लिए रोके हैं। क्या आपने अपने लिए रोके हैं? जी जी, अपने लिए रोके हैं ये मेल, सेल नहीं करने? नहीं, ये अभी सेल के लिए होंगे। उनकी वैसे क्या कीमत होगी, मार्केट वैल्यू? जिस एज के हो चुके हैं अभी, इस वैल्यू इस मार्केट के हिसाब से 40-50,000 का बर्ड है ये भी पर पीस। पर पीस तो ये किसके साथ लगेगा, क्या निकालेगा ये? आप सादी फोन की मादी से भी लगा दूँगा तो भी मेरे पास पेस्टल फोन की मादी आ जाएगी, फोन पेस्टल आ जाएगा। और अगर पेस्टल ग्रे के साथ लगाऊँ या पेस्टल फोन मादी के साथ लगाऊँ तो रेशो जो है ऑलमोस्ट 90% पेस्टल का ही रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। स्प्लिट मेल बहुत काम का होता है इस सेंस में कि अगर आप प्योर मादी पेस्टल की मादी के साथ स्प्लिट मेल लगा दो तो 90% बच्चे आपके पास पेस्टल ही उतरेगा। तो स्प्लिट मेल इसलिए बहुत काम में आते हैं ये। जी अहमद भाई, ये कौन से? अच्छा, इसमें जो है 4 बर्ड जो दिख रहे हैं मुझे, चारों पेस्टल हैं इसमें। फोन पेस्टल है चारों? फोन पेस्टल नहीं है, एक इसमें फोन की फीमेल है जो कि मेरे पास पेस्टल फोन इनटू फोन मेल उस पेयर में से निकली हुई फीमेल है, तो वो सादी फोन की बन रही है। और बाकी के जितने भी चिक्स हैं, एक इसमें सिल्वर दिख रहा है, एक इसमें ग्रे दिख रहा है, एक ओपल दिख रहा है और एक फोन दिख रहा है, तो ये चारों बच्चे पेस्टल हैं। ये मेरे पास पेस्टल ग्रे पेयर में से निकले जो कि स्प्लिट था फोन का, और अलबत्ता आप देखेंगे फोन का पीस तो वो मोल्ड करके अब पेस्टल बनता जा रहा है, और DNA फीमेल आई है। इसमें एक सिल्वर का मेल है, वो DNA मेल है पेस्टल सिल्वर का। इसका भी कलर देखें, मोल्ड करके ये कितना फिनिशिंग में लाता जा रहा है, एकदम डाइजेस्ट। अच्छा, फोन पेस्टल जो है ये एक पीस फोन पेस्टल बन रहा है? एक पीस फोन पेस्टल बन रहा है, एक पेस्टल सिल्वर है, एक पेस्टल ग्रे है। मेल है फीमेल है? फोन पेस्टल की ये फीमेल ही है DNA, सिल्वर पेस्टल का मेल है, ओपल पेस्टल भी है इसमें,
वो जो है वो भी डीएनए मेल है और पैसे ग्रे वाली मादी है। तो क्या पैसे हैं इसके सेल के? ये अभी सेल के हिसाब से नहीं है, इंशाल्लाह आगे के बर्ड सेल के हिसाब से होंगे, ये अभी वर्किंग बर्ड हैं ये। अच्छा, ये सेल नहीं कर रहे अभी? नहीं, ये वाले चिक्स नहीं, ये ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के हो चुके हैं ये चिक्स। और जो है मैं इनकी मोल्ड करते हुए कलर दिखाता हूँ कि बेसिकली जो मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो पेस्टल के नाम से लोग सिर्फ पेस्टल फॉर्म को जानते हैं, तो ये मैं एक अलग से केज में करती हुई दिखा देता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है पेस्टल बर्ड में। और हर कलर में पेस्टल होता है, वाइट कलर में भी पेस्टल होता है लेकिन दिखता नहीं है। अच्छा, ये क्या दिखा रहे हैं अहमद भाई? ये पेस्टल फॉर्म की मादी जो मैंने बताया था जी, इसमें आप ये देखें मोल्ड करके पूरा जो है अपना कलर बेली कलर का वैसे ही डाल के बाकी सब लाइट करती जा रही है, बादल बादल जैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कितने महीने की है अभी? ये तकरीबन 5 महीने का बर्ड है। सही है, 2-3 महीने बाद ये पूरा बन जाएगा? बिल्कुल हाँ, 2 से 3 महीने लेगा मजीद बनने में। ये क्या चीज़ है? बाकी ये इसी का सिम्बलिंग है, पेस्टल सिल्वर का मेल है ये। अच्छा, डीएनए मेल। अब ये पहचान देखें, इसमें जो है इसकी दुम ड्रम तक इसकी जो है डाइल्यूट है, वरना ड्रम सिल्वर की डार्क होती है, हेड डार्क होता है। कलर ये लाइट है, मेल होने के बावजूद एकदम लाइट कलर है इसका। ये पॉसिबल स्प्लिट फॉर्म भी है। सही, तो ये सेल के नहीं है अभी? नहीं, ये चिक्स अभी सेल के हिसाब से नहीं है, इसके बाद का क्लच भी आ गया, वो सेल होगा तो इंशाल्लाह वो सेल का होगा जी। अहमद भाई, ये पट्टे हैं सारे फोन के? जी, ये भी इसी सीजन के पट्टे हैं। और जो है मतलब ये वही है, 5 से 6 महीने के बर्ड हैं ये। अच्छा, और किसी को चाहिए होंगे तो ये जो मोल्ड कर चुके काफ़ी हद तक बर्ड, वो 25,000 पर पेयर के हिसाब से मिल जाएंगे। अच्छा, सही है। कलर आना स्टार्ट हो गया इनका? कलर आना स्टार्ट हो गया, कुछ तो कंप्लीट भी आ गया। 25,000 रुपये पर पेयर के हिसाब, पर पेयर के हिसाब से मिल जाएगा जी। सही है, ठीक है जी। हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बताएं आपको? अच्छा, मेरा नंबर जो है 0332-231-8585, ये यूफोन का नंबर है। बाकी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो फादर खलील अहमद वो भी देखते हैं, उनका नंबर जो है 0336-8500-316। ठीक है, ये वरना अवेलेबल होंगे। अच्छा, लोकेशन क्या है? लोकेशन जो है ये फेडरल बी एरिया वाटर पम्प पड़ता है, ये लकी वन मॉल के भी अपोजिट पड़ता है, और कार्डियो हॉस्पिटल जो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज हॉस्पिटल उसका भी बैकसाइड पड़ता है। और बाकी एक अलबत्ता यूट्यूब चैनल भी है, अगर जावा के हवाले से उसमें कंप्लीट गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन है, ALKHURM बर्ड्स के नाम से, अल खुर्म बर्ड्स, ये भी जावा के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन मिल जाएगी यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, फ्री हमारे लिए।